Read science lesson 16 garbage in garbage out video part 1 children in this chapter we will read about the garbage firstly we will discuss what is garbage means waste product which we are using different types of activity and the daily routine we are doing at our home after that different type of wastes are coming out that is called garbage that we are not using we will throw it that is garbage okay it is not for our using we will collect it and give to the cleaning person that thrown away okay so after that what will happen with the garbage after throwing this garbage what will happen with the garbage this in this chapter we will read one of the most important things are at our home is the dustbin hamare ghar mein sabse important kya hai dustbin yet hardly we will ever think about it bahut hi mushkil se hi hum log iske bare mein sochte hain nobody will care about it we collect all the waste at our home and then give it to the cleaning person to throw away matlab cleaning person ko de diya jata hai unse kehte hain ki isko throw kar dijiye do not ever wonder when all this garbage is taken and what happens to it क्या कभी हम लोग इस आश्चर्य में आते हैं कि इस गार्बेज को कहाँ ले जाया जाता है और इसके साथ क्या होता है चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट हैपेंस टू द गार्बेज क्या होता है गार्बेज के साथ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गार्बेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेजेस आर कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज फ्रॉम आर होम एंड हॉस्पिटल्स एंड देयर डिफरेंट प्लेसेस एंड हाउ इज गार्बेज मैनेज्ड और इस गार्बेज को कैसे मैनेज करके वी आर यूजिंग मीन्स इसको दोबारा यूज कर रहे हैं तो फर्स्टली आई वॉन्ट टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वी जनरेट वेस्ट ऑल द टाइम्स लेफ्ट ओवर आर फूड रैपर्स एंड कवर्स ऑफ थिंग्स एम्पटी बॉटल्स ब्रोकन टॉयज एंड टॉर्न क्लोथ्स और ऑल थ्रोन अवे हम लोगों ने देखा है ऑल द टाइम हमारे घरों में क्या होता है वेस्टेज निकलते हैं चाहे आप फूड आइटम्स आफ्टर हैविंग फूड रैपर्स होते हैं कवर्स ऑफ पील्स होती हैं चीज़ों की एम्प्टी बॉटल्स है ब्रोकन टॉयज है या कोई भी चीज़ टूट जाती है फटे हुए कपड़े तो ये सारे क्या है फेंक दिए जाते हैं डस्टबिन में सम थिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स ओल्ड गैजेट्स एंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स आर नॉट थ्रोन अवे पर कुछ चीज़ें जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं ओल्ड गैजेट्स हैं पुरानी चीज़ें और हमारी मेटल्स की चीज़ों जो बनी होती है उनको हम लोग नहीं फेंकते हैं दे आर सोल्ड टू द जंक डीलर्स और द कबाड़ीज इसको हम लोग क्या करते हैं ये बेच दिए जाते जो कबाड़ लेते हैं जो वेस्टेज रीयूज करने वाले वेस्ट होते उनको खरीदते उन्हीं को बेच दिए जाते दे फर्दर सेल दीज थिंग्स टू पीपल हु रिकवर द यूजफुल मेटल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द जंक और वो क्या करते फर्दर उसके बाद क्या होता है कि वो उस चीज़ों को लोगों को बेच देते हैं क्या यूज़फुल मेटल्स हैं एंड अदर थिंग्स जो भी उनको मिले हैं जो भी सेल होते हैं वो सारी चीज़ें ये दूसरों को दे देते हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं मीन्स चिल्ड्रन द न्यूज़पेपर आर यूज्ड टू मेक न्यू पेपर्स अब न्यूज़पेपर्स जो है उनको फिर से न्यू पेपर्स में रीयूज करके बना देते हैं प्लास्टिक ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू द न्यू थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक्स को क्या करते हैं कन्वर्ट करके न्यू टाइप्स की प्लास्टिक्स बनाते दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इसको हम लोग रिसाइकलिंग करना कहते हैं गार्बेज की रिसाइकलिंग करना कहते हैं ओके लेट अस रिसाइकल मीन्स किसी भी वेस्टेज को दोबारा से रिसाइकल करके नई नई चीज़ें बना लेना लेट अस लर्न व्हाट हैपेंस टू द गार्बेज वंस इट इज आउट ऑफ आवर होम्स लेट अस लर्न आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग एक बार हमारे घरों में जो गार्बेज निकलते हैं उसका क्या होता है इसके बारे में चिल्ड्रन पढ़ेंगे नाउ प्लीज़ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड देयर आर सम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज़ कवर इट एंड अंडरलाइन दीज पॉइंट्स व्हाट हैपेंस टू द गार्बेज डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच गार्बेज योर फैमिली जनरेट्स इन अ डे क्या आपके पास कोई आइडिया है गार्बेज का कि आपकी फैमिली कितना गार्बेज एक दिन में निकालती है यू कैन एस्टिमेट दिस विद द फॉलोइंग एक्टिविटी चिल्ड्रन हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे क्या हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं क्या हम एक एक्टिविटी करके ये बता सकते हैं कि कितना गार्बेज हमारे घरों से एक दिन में निकाला जाता है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस इन योर होम आइए हम लोग एस्टिमेट करते हैं यू विल नीड अ स्प्रिंग बैलेंस फॉर दिस एक्टिविटी आपको एक स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत होगी यूजिंग द बैलेंस फर्स्ट वेट एंड एम्प्टी गार्बेज बिन एक खाली गार्बेज बिन ले लीजिए और वेइंग मशीन ले लीजिए देन वेट जस्ट बिफोर द गार्बेज इज थ्रोन आउट
और बाहर फेंकने के पहले इसको आप वेट करिए, इट विल गिव यू द मास ऑफ गार्बेज जनरेटेड इन वन डे, और आपको ये बता देगा बैलेंस मशीन की कि एक दिन में हम कितना गार्बेज जनरेट करते हैं। नाउ डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने फैमिली मेंबर में डिवाइड कर लेंगे। दिस गिव्स यू द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गार्बेज जनरेटेड बाई वन पर्सन इन अ डे, और इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली मीन्स होता है चिल्ड्रन मीन्स वी विल मीन्स एक दिमाग से अपने एक वो लगाते हैं अनुमान लगाना कि इतना गार्बेज एक पर्सन के द्वारा हमारे घर में निकाला जाता है। ओके, इफ़ यू नाउ मल्टीप्लाई दिस विद द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अब इस गार्बेज को अगर आप पूरे विश्व के पॉपुलेशन से निकालिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप बताइए यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड इन द वर्ल्ड पर डे, तब आपको ये पता चलेगा कि कितना गार्बेज पूरे विश्व में एक दिन में निकाला जाता है, कितना जनरेट होता है एक दिन में। तो चिल्ड्रेन इसके लिए हमें ये एक्टिविटी करनी है जिसके थ्रू वी कैन नो अबाउट दीज पॉइंट्स। आफ्टर दैट देर आर सम मेनी पॉइंट्स अदर्स पॉइंट्स, सो हाउ इज सच अ बिग अमाउंट ऑफ गार्बेज मैनेज, क्या आपने कभी सोचा है कितने ढेर सारे अमाउंट में गार्बेज को कैसे मैनेज करते हैं। द पीपल हु कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम होम्स डंप इन द बिग लोकल गार्बेज डिपॉजिटिंग एरिया, हु कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द होम्स, कौन है जो हमारे गार्बेज को घरों से ले जाता है और लोकल गार्बेज डिस्पोजिंग एरिया में उसको जाके इकट्ठा करते हैं, डंप करते हैं। फ्रॉम देयर द गार्बेज इज टेकन टू द साइट कॉल्ड अ लैंडफिल, वहाँ से गार्बेज को ले जाया जाता है साइट पे, उस साइट पर ले जाया जाता है जहाँ पर इस गार्बेज को रखते हैं, डिपॉजिंग करते हैं, दिस इज लैंडफिल। चिल्ड्रन इन योर माइंड देयर आर कमिंग सम क्वेश्चंस, आई नो इट दैट व्हाट इज लैंडफिल, लैंडफिल इज अ एरिया देयर वी विल डिग दैट अ लार्ज एरिया लार्ज पिट दैट इज कॉल्ड लैंडफिल एंड फिल द गार्बेज इन दिस पिट दैट इज कॉल्ड लैंडफिल। टू मेक अ लैंडफिल अ यूज वुमेन एरिया इज सेलेक्टेड आउटसाइड अ टाउन और अ सिटी, ये जो लैंडफिल एरिया होता है हमेशा बनाया जाता है बहुत बड़े प्लेस पर, हमारी सिटीज़ हमारे टाउन्स के बाहर ले जाके ओपन एरिया में ये सेलेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ देन डग अप एंड लेयर ऑफ क्ले एंड प्लास्टिक इज स्प्रेड्स ऑन इट्स बेस, और इसके बेस को बनाने के लिए इसको जब डक करते हैं डक किया जाता है, आफ्टर दैट उसमें क्ले और प्लास्टिक से इसको फैला के इसका बेस तैयार करते हैं जिसको हम लोग लैंडफिल एरिया के नाम से जानते हैं। दिस लेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लीक इन टू द ग्राउंड बिलो, चिल्ड्रन ये जो प्लास्टिक्स वगैरह या क्ले का जो ये हम लोग एक कवरिंग करते हैं उस पिट में, वो क्यों करते हैं, जिससे कि जो प्लास्टिक है जो हम लोग वेस्टेज रखते हैं उससे जो गंदगी है या जो लिक्विड चीज़ें हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर को ना गंदा कर दे, दिस इज फाउंड अंडर द ग्राउंड, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इस तरीके का बेस तैयार करना पड़ता है। दिस लेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लीक इनटू द ग्राउंड बिलो द गार्बेज इज डंप्ड इनटू दिस पिट, और इस तरीके से गार्बेज को इस पिट में दबा दिया जाता है। चिल्ड्रन देन द गार्बेज इज सेग्रीगेटेड, आफ्टर दैट इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, द यूजफुल कंपोनेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द गार्बेज बाय पीपल, और ये जो कंपोनेंट्स हैं जो इसमें मिले हुए होते हैं, देर आर डिफरेंट यूजफुल आइटम्स आर मिक्स टुगेदर, सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू सेग्रेट दीज आइटम, सो दीज कंपोनेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द गार्बेज बाय पीपल, रेस्ट ऑफ इट इज स्प्रेड इन अ साइड ऑफ पिट, अब इसमें से जो बाकी बच जाता है उसको पिट में गड्ढों में डाल दिया जाता है, फैला दिया जाता है, एंड कवर विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल की लेयर से ढक दिया जाता है। एवरी डे द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द गार्बेज इज डिपोज्ड इन अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड सेल, इस तरीके से प्रत्येक दिन इस सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं और गार्बेज को क्या करते हैं, डिस्पोज किया जाता है एक नए डिपार्टमेंट में, मीन्स एक लेयर पूरी बिछ गई उसके ऊपर फिर से अदर डे फिर से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कंपार्टमेंट, इस तरीके से कई कई खाने एक के ऊपर एक बना दिए जाते हैं। दिस सेल्स आर कंप्रेस्ड बाई बुलडोजर्स टू क्रिएट स्पेस फॉर मोर सेल्स इन लैंडफिल, इस तरह से सेल्स को क्या करते हैं कंप्रेस करते दबा दे बुलडोजर्स के द्वारा क्या करते हैं इसको दबा दिया टू क्रिएट स्पेस फॉर मोर सेल्स इन लैंडफिल, अब सेल्स को यहाँ पे फिर और गार्बेज आ जाए उसके लिए जो गार्बेज को ये लैंडफिल एरिया में डाला जाता है उसके ऊपर बुलडोजर वगैरह चलवा देते हैं जिससे ये फिर एकदम प्लेन हो जाए सरफेस और उस पर और ज़्यादा गार्बेज आप रख सके। ओके,
नाउ वंस द लैंडफिल इज फुल, एक बार लैंडफिल फुल हो जाता है, इट इज कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ सॉइल एंड मेड इन टू अ पार्क. ओके, अब इसको मोटे सॉइल की लेयर से, जब आपका लैंडफिल फिल हो गया एरिया, तो क्या करते हैं उसके ऊपर सॉइल बिछा देते हैं, इन टू अ पार्क एंड मेड इन टू अ पार्क, और वहाँ पे पार्क जैसा एक जगह प्लेस बना देते. फॉर 20 to 25 years नो बिल्डिंग इज मेड ओवर इट, और कम से कम 20-25 सालों तक यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती. ग्रेजुअली धीरे धीरे द गार्बेज डिकम्पोजेज एंड मिक्सेज विद द सॉइल, ये गार्बेज सड़ जाते हैं. चिल्ड्रन वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड डी सड़ना, मीन्स दिस इज नॉट साइंटिफिक वर्ड, सो वी शुड यूज साइंटिफिक वर्ड्स दैट इज डिकम्पोज होना, मीन्स इट विल चेंज इन टू द सिंपल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड मिक्स विद द सॉइल. बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म्स में चेंज होते हैं और सॉइल में मिला दिए जाते हैं. आफ्टर दैट वॉट इज सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, चिल्ड्रेन वॉट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स होता है सेपरेट आउट करना, कैसे हम लोग कूड़ा करकट को सेपरेट आउट करते हैं, मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल वॉकिंग इन अ गार्बेज डंप, आप लोगों ने लोगों को जरूर देखा होगा डस्टबिन के पास या जहाँ गार्बेज डंप करते हैं वहाँ पे काम करते हुए. दे कैरी बिग बैग्स विद देम, वो बड़े बड़े बैग उसके साथ ले जाते हैं एंड पिकअप द यूजफुल मटेरियल सच एज मेटल, ग्लास, प्लास्टिक फ्रॉम द गार्बेज. वो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, जो यूजफुल मटेरियल्स हैं जैसे मेटल्स हैं, ग्लास हैं, प्लास्टिक्स हैं, उसको गार्बेज में से वो लोग उठा लेते हैं. दीज थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड अगेन इन टू यूजफुल मटेरियल, चिल्ड्रेन ये वो चीज़ें होती हैं जिनको दोबारा कन्वर्ट करके हम लोग नई चीज़ें बना सकते हैं. ओके, अब क्या है, दीज थिंग्स कैन बी कन्वर्ट, यस ऑल्सो दीज थिंग डू नॉट गेट डिकम्पोज बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल. अब हमारे जो गार्बेज है उनके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनको सिंपल सब्सटेंस में मीन्स रॉटन करके डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकते. सच मटीरियल्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे मटीरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं जो दोबारा फिर से आपके रीयूज में नहीं आ पाते, जो बैक्टीरिया जिनको सिंपल सब्सटेंस में नहीं चेंज कर पाते. ऑन द अदर हैंड थिंग्स सच एज वेजिटेबल्स, पील्स, पेपर एंड अदर्स आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसी दूसरी तरफ हमारे छिलके, हमारे पेपर, हमारे और भी गंदगी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डिकम्पोज कर देते हैं उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. इट विल डिकम्पोज एंड चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंस, आफ्टर दैट इट विल मिक्स विद द सॉइल एंड योर सॉइल विल बी फर्टाइल, दैट इज बायोडिग्रेडेबल. चिल्ड्रेन आई वॉन्ट टू टेल यू, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कैन बी डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट आर बायोडिग्रेडेबल, मीन्स वेजिटेबल पीस, फूड आइटम्स, दे कैन बी डिकम्पोज. बट देर इज सम थिंग्स लाइक प्लास्टिक, इट विल नॉट डिकम्पोज, सो इट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट इफ यू विल थ्रो इट इन द एटमोसफियर इट विल ले डाउन देयर, इट विल थ्रो डाउन देयर एंड थ्रो इट एंड इट विल नॉट चेंज योर फॉर्म, इट विल मेक द पॉल्यूशन इन योर एटमोसफियर. नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स रिमेन इन द सॉइल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड आर हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम, और ये 100 सालों तक ऐसे पड़ी रहेगी और हमारे इकोसिस्टम को, हमारा जो सिस्टम है जिसमें प्लांट्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, डिफरेंट लिविंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बोथ ऑल आर हियर, दैट मेक अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इट इज मेड अप इन द एटमोसफियर इन आर सराउंडिंग्स, तो ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसी को गंदा कर देंगे. दीज डेज द गवर्नमेंट इनकरेज द पीपल टू सेग्रीगेट वेस्ट एट होम इटसेल्फ, इसी कारण से अब सरकार ने कहा है, लोगों को इनकरेज किया, उत्साहित किया जाता है कि प्लीज़ सेग्रीगेट करिए, अपने घर में ही कुछ ऐसा करिए कि आप सेग्रीगेट करके गार्बेज को फेंकिए. मीन्स आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है. ओके, इससे क्या होगा, यू विल डू एट योर होम दीज थिंग्स, देन you will throw the garbage, you will know that about that is biodegradable and that is non biodegradable. For this purpose there are two types of dustbins created, iske liye two types ke dustbin banaye jate hain children. First is biodegradable waste should be put in a green color dustbin, jitne bhi biodegradable wastes hote hain that can be decomposed by the bacteria or the microorganism are called biodegradable and they are
this type of garbage is thrown in green color dustbin, okay, and non biodegradable waste should be put in a blue color dustbin. Means plastics and plastic wrappers, and there are different types of plastics item. We can see these dustbin kept on a रोड साइड इन टाउन्स एंड सिटीज. अब तो बड़े बड़े शहरों में देखिए तो आपके रोड साइड पे भी डस्टबिन रखे रहते ग्रीन और ब्लू कलर का. मीन्स यू विल कीप इन योर माइंड ग्रीन डस्टबिन मीन्स यू विल थ्रो द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन द ग्रीन डस्टबिन एंड यू विल थ्रो द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन द ब्लू डस्टबिन. ओके चिल्ड्रेन, नाउ थैंक यू सो मच. आई विल टेक द अदर टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन. ओके थैंक यू.